चबूतरा पुलिस स्टेशन के तहत में टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन की स्टाफ और टास्क फोर्स साउथ वेस्ट जोन की टीम ने बहुत बढ़िया काम किया था। ये काम किया कि तकरीबन 70 किलो गांजा NDPS गांजा जो ड्राई गांजा सप्लाई हो रहा था वो रॉकेट को बरेस्ट करिए थे। और ये जो प्लेस हुआ धूल अपर धूलपेट जाने के रूट में मंगलहाट के बॉर्डर में बिलाल मस्जिद नियर इमरान होटल के पास एक सस्पिशियस पर्सन ऑन इंफॉर्मेशन दो सस्पिशियस पर्सन को अप्रेहेंड किए थे। उनके इनोवा में एक इनोवा में ये जो बैग्स तकरीबन 70 किलो गांजा और उनके साथ जो ऑटो इनोवा था इनोवा को सीज करे, उनके फ़ोन 5 फोन उनके पास से दोनों के पास सीज करे। वो दोनों का नाम है मोहम्मद इसाक और इसामुद्दीन। ये इनफैक्ट ये मोहम्मद इसामुद्दीन और इसाक ये दोनों कजिन्स है या मुमेरे फुफेरे भाई है। ये दोनों एक फर्नीचर शॉप में काम करते रहे। सेवन मंथ्स बैक इनको एक राजू नाम का ओडिशा का एक लड़का इनके पास काम करने आया और जो ये बिजनेस को देख के इन बोला था इजी अर्निंग के लिए मेरे पास और अच्छा ये है मेरे एरिया में ओडिशा बॉर्डर से अच्छा गांजा मैं जानने वाले है अच्छी क्वालिटी का है मैं उसको सप्लाई करता हूँ मेरे कमीशन दे वो बोल के बता रहा था। तो ये लोग भी ज़रा बिजनेस लॉस की वजह से इसके लिए अग्री हो गए। बाद में से इन्होंने इनको रिक्वेस्ट करने पर इन जाके तकरीबन 70 किलो गांजा ला के इनको डिलीवरी किए। तो इसमें इसाक को इसामुद्दीन अपने पायलट कर रहे थे। पायलट करके सामने वाले कुछ पुलिस है क्या क्लियर करके इनोवा में ला के वहाँ पर गुड्स जो भी है NDPS के धूलपेट से एक कस्टमर को इनके रेगुलर उनके वहाँ पे डिलीवरी देना चाह रहे थे। इतने में पुलिस का छापा हुआ पकड़े गए और जो जिसको बेचने चाह रहे थे वो भी इन्वेस्टिगेशन में है। अभी स्टेज में अपन वो बात उसका नाम वो भी है अपने इन्वेस्टिगेशन के रिवील नहीं कर सकते और जल्द से जल्द जो भी है इसमें सबको अपन गिरफ्तार करेंगे। नहीं है वो जो इनको पहले जो डिलीवरी किया अपस्टैंडिंग है इन्फॉर्मेशन है डेफिनेट क्लू है हम उसको पकड़ लेंगे जल्द से जल्द। इस नतीजे पे ही ये पकड़े गया सो है बड़े पैमाने पे जो हमारे टास्क फोर्स पुलिस हमारे कमिश्नर साहब जो ना करके जो एफर्ट्स करके जो कर रहे हैं इसी के नतीजे पे ही ये पकड़े गया है उसी का रिजल्ट ये है। और होते रहता कभी वो चेक पोस्ट से स्किप करते रहते व्हीकल चेकिंग कहाँ होती स्किप करते रहते। ये लोग बता रहे थे अभी रेगुलर टी जंक्शन को स्किप करके गली से ला लेते हैं हम ऐसा। तो हम भी ये हिसाब से व्हीकल चेकिंग भी रैंडम एक ही जगह नहीं करें जैसा रैंडमली करने का प्लान किया सर। डेफिनेटली 17 लाख का है ये दो जो बंदे खरीब के फर्नीचर शॉप वाले हैं बाद में यह पता चलेगा। ये इन फैक्ट इसमें काम करने के लिए आया आके इनको बहका दिया था उन ये चलो इससे ये हार्ड वर्क है और अपन मैं आसान तरीका बताता हूँ और जल्द से जल्द ये बता के वो उसको सोर्स है वहाँ पर ये लोग के हिसाब से उसका इन्वेस्ट करेंगे आगे। ऐसा नहीं है ये लोग बड़े लमसम में ही एक को किसी को बेचने वाले है वहाँ से आप जो बोले सो छोटे छोटे पैकेटों के वहाँ से जाते जो जिसको बेचने जाने वाला है वो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन है हमारे को डेफिनेटली पूरा करके अभी एट दिस जंक्शन हम बताए तो इन्वेस्टिगेशन में दिक्कत आ जाती है। 4000 पर केजी लिया और अमाउंट में कुछ दिया और देना भी है। थैंक यू।